दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्लो मोशन वाला वीडियो कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मतलब काफ़ी पहले से आ चुका है कि स्लो मोशन वीडियो कैसे बनाएं, लेकिन मैं बताऊंगा उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताऊंगा जिसमें स्लो मोशन, जैसे कि मैं एक मतलब एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि पहले आते हैं नॉर्मल, फिर उसके बाद स्लो मोशन, फिर थोड़ा सा बैक लेंगे, फिर स्लो मोशन, फिर नॉर्मल। तो मतलब 2-3-4 स्टेप मैं आज इस मतलब वीडियो जब मैं आपको सिखाऊंगा स्लो मोशन में तो उसमें मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भाई स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन एक होना चाहिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। ये प्ले स्टोर पर आपको सिंपली मिल जाएगा। तब इसको ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया क्लियरली। अब यहाँ पे फ्रेम देखिए, फ्रेम को आप यहाँ पे जैसे प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपको 3 फ्रेम आता है। जो टिकटॉक का फ्रेम है वो है आपका 916 का, उस फ्रेम पे क्लिक करेंगे। जैसे इस फ्रेम पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। आपको यहाँ पे क्या मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे मीडिया पे क्लिक करते हैं आपको जो वीडियो है उस वीडियो को लेना है, आप जो रिकॉर्ड किए हैं कैमरे से जिस एक्शन पे जिस गाने पे आप शूट किए हैं उसको लेना है, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो को लिया, मैं सिंपल किसी गाने पे नहीं किया हूँ, यहाँ पे क्या करना है इसको लूँगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जहाँ से स्लो मोशन जैसे कि यहाँ तक मेरा एक्शन हो गया, यहाँ से हमको स्लो मोशन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कट कर दिखाई दे रहा है। कट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों स्पीड कर देंगे, करने का देखिए अब ये क्या हो गया, सिंपल ये एक भाग में बट गए जो सिंपल है और ये एक हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब कहाँ से लगाना है, हमको कहाँ से कहाँ तक लगाना है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ तक लगाना है स्लो मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करके यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा ले लेंगे, यहाँ तक खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आते हैं, इतना आया, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर स्लो मोशन इसको करना है ना, तो स्पीड कंट्रोलर में आएंगे। स्पीड कंट्रोलर बाद में यहाँ पर देखिए अब कितना आपको स्पीड आपके गाने के अनुसार से कितना हो सकता है उतना पर करना है। तो मैंने इसको यहाँ तक किया 0.25, तो यहाँ पर क्लिक कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं फिर से, तक स्लो मोशन तक हो गया। अब इसमें अच्छा स्लो मोशन वीडियो जो अच्छे तरीके से बनाना है, जो अलग अलग म्यूजिक डालकर चाहे जो भी करना है वो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो फिर से उस वीडियो को लेंगे, इसको 2 बार लेंगे, ठीक है, 2 बार ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे, ठीक है, इसको पूरा नॉर्मल पॉइंट पर कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं, यहाँ पर फिर से चला के देखते हैं थोड़ा सा, इसको करते हैं। अब यहाँ से फिर से इसको ओपन चलाते हैं, प्ले करते हैं, आपका स्लो मोशन हो गया, क्लिक बैक हो गया आपका, ये 2 हो गया। अब इसके बाद जो है वो स्पीड वाला करेंगे, इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको लेंगे। एक बार और मीडिया में जाएंगे और क्लिक करेंगे, और लास्ट वाला पार्ट हमको लेना है, इसमें लास्ट वाला पार्ट बस, हाँ बस यहाँ पे प्ले करेंगे, ऐसे शुरू से प्ले करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो म्यूजिक है, आप अगर आपको पता नहीं है इसको म्यूजिक लगाना है, एडिटिंग गाना लगाना, सॉन्ग लगाना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर बता सकता हूँ। तो यहाँ तक आपको जिस सॉन्ग पे करना है यहाँ तक कर सकते हैं। तो क्लिक बैक जो आता है म्यूजिक, यहाँ पे आपको लगाना है बार बार रिपीटेड म्यूजिक जो आता है वो लगाना है, फिर करना है। तो आपको ये बहुत अच्छा स्लो मोशन प्रोफेशनल वीडियो आपको बन जाएगा। और यहाँ से क्या करना है, आपको निकाल देना है, निकालने के बाद में यहाँ पे जाना है, जाने के बाद में शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको जो
पॉइंट है HD में निकाल सकते हैं या 720p में निकालना है या 1440p में निकालना है, ये आपके ऊपर है। या तो एक्सपोर्ट करके आप इस वीडियो को निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।